हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी के कुछ क्वेश्चंस आज कंटिन्यू करने वाले हैं हम। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं अपने। ये देखिए, क्वेश्चन पहले समझना है आपको, ठीक है, तभी सॉल्व करेंगे हम। तो साथ के साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. तो भाई एक स्कूल है, उसमें कुछ विद्यार्थियों ने पौधे लगाने की सोची, ठीक है, और स्कूल में और उसके आसपास वो लगाएंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो, ठीक है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा डिसाइड किया है उन्होंने कि भाई हर एक क्लास में, हर एक कक्षा में, जैसे पहली कक्षा है उसमें 3 सेक्शन है, 3 भाग है उसके, और हर एक सेक्शन क्या करेगा, एक प्लांट लगाएगा अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो, और अगर वो सेकंड क्लास के बच्चे हैं तो हर एक सेक्शन, ठीक है, हो सकता है एक सेक्शन में 50 बच्चे हों, हो सकता है 30 बच्चे हों, तो हर एक सेक्शन में जितने बच्चे हैं वो क्या करेगा, पूरा का पूरा सेक्शन मिलके अगर वो मान लीजिए 10th क्लास में है तो 10 प्लांट लगाएगा पर सेक्शन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डिसाइड हुआ है। तो आपको क्या बताना है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा कितनी ट्रीज, कितने पेड़ लगाए गए, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ पे अगर फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है तो मान लीजिए इसके 3 सेक्शन हैं, ए बी सी। अगर फर्स्ट क्लास है तो बच्चों ये भी एक प्लांट लगाएगा, ये भी और ये भी, हर एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, मतलब टोटल यहाँ पे 3 प्लांट्स लगे। इसी तरह अगर क्लास 2 है और इसके भी 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो ये हर एक सेक्शन दो दो प्लांट लगाएगा, दो दो ट्रीज लगाएगा, तो ये हो गए 6। इस तरह से ये सेक्शंस में जो भी नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड है ये बढ़ती जाएंगी। तो बस टोटल ट्रीज कितनी प्लांट हुई ये बताना है। जिसका आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए पहले, तो उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय the students in AP, AP में है, क्यों? क्योंकि देखिए, फर्स्ट जो क्लास होगी, पहली क्लास के सारे सेक्शन मिला के 3 ट्री प्लांट कर पाएंगे, हर एक सेक्शन से एक ट्री, मतलब 3 सेक्शन है तो 3 ट्री। इसी तरह क्लास 2 जो है वो टोटल 6 ट्री प्लांट कर पाएंगे, ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया था। अब क्लास 3 है, क्लास 3 का सेक्शन ए 3 ट्री, सेक्शन बी भी 3 ट्री, सेक्शन सी भी 3 ट्री प्लांट करेगा, तो ये 9 हो गई। क्लास 4 का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 4-4 ट्री प्लांट करेगा, तो ये 12 हो गए, सो ऑन। अब बच्चों अगर आप देखेंगे तो हर एक के बीच में, ठीक है, हर एक टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, 3-3 कट गया, तो डिफरेंस तो कॉमन हो गया,
है कि नहीं, इसीलिए ये एक एपी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ए, यहाँ पे ए कितना है, ए है बच्चों 3, एंड डी कितना है 6 माइनस 3, दैट इज 3। ठीक है, ए हमारे पास 3 आ गया एंड डी भी 3 आ गया। तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है ना, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है इसका फॉर्मूला। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो भाई 12th क्लास तक जो बच्चे कक्षा 12 तक बच्चों ने ट्रीज प्लांट किए हैं, तो 12 तक के आपको कितना हो जाएगा, ये n है 12, 12 माइनस 1 और डी भी 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। आ गया होगा अब तो आपका आंसर, सिंपल कैलकुलेशन थी ये, इसमें बस आपको कैंसिल आउट करना था, 2 को 12 से कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 12 को, तो 6 आ गया। तो एस 12 कितना आ गया, ये आ गया 6, और ब्रैकेट में आ गया 2 इंटू 3 6 प्लस, देखिए 12 माइनस 1 होता है 11, तो 11 इंटू 3 आप यहाँ पे कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू, देखिए 6 प्लस 33, और 6 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 39, और 6 इंटू 39 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6 54, 5 6 6 18 और 5 23, 234, 234। तो आप लिखेंगे 234, therefore 234 trees will be planted by the students। इसको नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, वॉट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप टू 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स। तो बच्चों क्वेश्चन को समझना कि एक स्पाइरल है, ठीक है, स्पाइरल है, उसको क्या किया गया है कि सक्सेसिव सेमी सर्कल मतलब लगातार अर्धवृत्त से बनाया गया है, जिनके जो रेडियाई है वो कितने हैं। देखिए जो एक सर्कल है, ध्यान से समझना, अब सबसे पहला सेमी सर्कल है वो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहां से, ये ए है, तो बिल्कुल ए से स्टार्ट होगा, और आप देख पा रहे हैं जो ये L1 लिखा है, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई पहले सेमी सर्कल की, कहां से कहां तक आ रहा है, ये यहां से जाके यहां तक आ रहा है पहला सेमी सर्कल। लेकिन अब जो दूसरा सेमी सर्कल बनेगा वो ए से नहीं, वो बी से बनेगा, ये पॉइंट जो दिख रहा है ये बी है, तो पहला सेमी सर्कल तो ए से यहां से बना, और दूसरा सेमी सर्कल बन गया बी से। बी से कौन सा बना, ये जो आप देख पा रहे हैं ये बी से बना, जिसकी लेंथ है L2। अब इसी तरह से तीसरा सेमी सर्कल ए से बनेगा, अब जो तीसरा सेमी सर्कल बना है वो ए से बनेगा, जिसकी लेंथ है L3।
अब फोर्थ सेमी सर्कल जो है वो बी से बनेगा जिसकी लेंथ है L4। फिफ्थ सेमी सर्कल फिर से ए से बनेगा जिसकी लेंथ होगी L5। एंड सिक्स सेमी सर्कल फिर से बी से बनेगा जिसकी लेंथ होगी L6। एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा और एक स्पाइरल बन जाएगा। बन तो रहा है स्पाइरल, कुछ इस तरह से आपके सामने ये एक स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगा, बस ऐसा ही कुछ बना है। तो यहाँ पे भाई दो अलग अलग पॉइंट से अर्धवृत्त खींच के ये सेमी सर्कल बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको दिया है रेडियाई, ठीक है। रेडियाई दिया है भाई ए से, ठीक है, स्टार्टिंग विद ए से शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास सेमी सर्कल है उसका रेडियाई 0.5 है। फिर जो बी से बनेगा उसका रेडियाई 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर वापस से ए से बनेगा उसका रेडियाई हो गया 1.5 सेंटीमीटर। एंड सो तो आपको टोटल कुल लंबाई बतानी है कि अगर 13 लगातार कंसेक्यूटिव ए से फिर बी से फिर ए से फिर बी से ऐसे करके 13 अर्धवृत्त अगर हम बनाए तो कुल लेंथ कितनी हो जाएगी सेमी सर्कल इसकी, स्पाइरल। जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व करो इसको। आप किस तरह से इसको अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं, चलिए वो देखते हैं। आप क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन को, साथ साथ हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये ध्यान दीजिए। तो आप ये बताइए मुझे कि एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। ये सब पेरीमीटर ही तो है, ये क्या है, ये पेरीमीटर है सेमी सर्कल का। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये जो ए से हमने सेमी सर्कल खींचा है तो L1 क्या है, पेरीमीटर ही तो है। L2 भी पेरीमीटर है सेमी सर्कल का, इस तरह से ये सब पेरीमीटर है। तो अगर मैं बोलूं सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ये हो जाएगा πr, उसका आधा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए जो L1 है, ठीक है, L1 है वो कितना होगा, L1 की बात करें तो देखिए पाई R1, और R1 यहाँ पे कितना है 0.5, तो 0.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 0.5 इसकी जगह मैं नीचे 10 लिख देता हूँ, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, दैट इज पाई बाय 2 सेंटीमीटर। अब अगर L2 की बात करते हैं तो पाई और L2 कितना हो जाता है 1, तो ये हो गया पाई सेंटीमीटर। अब L3 की अगर बात करें तो L3 क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज फिर से देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये आ गया 3π/2 सेंटीमीटर। इसी तरह L4 निकालेंगे वो भी ऐसे ही आएगा। तो देखिए हमें यहां से L1, L2, L3, L4 इन सब की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक एपी में होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे होंगे एपी में, यहां तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे करें कंटिन्यू। अब देखिए देयरफॉर L1, L2, L3 क्या है, ये दैट इज द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल आर इन एपी।
और क्या क्या है हमारे पास, लेंथ ये हो गई पाई बाय टू, फिर है पाई, 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये एपी में कैसे हैं, देखिए फर्स्ट टर्म तो इसकी पाई बाय टू है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ठीक है, कितना है ये पाई माइनस पाई बाय टू, इसको माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय टू। अब देखिए अगर ए थ्री माइनस ए वन भी करता हूँ, ए टू भी करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई, ये फिर से पाई बाय टू आ गया। तो जितना आप इनको माइनस करके देख रहे हैं, ये सब के सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो कि पाई बाय टू, तो इसलिए ये एपी में है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें सम निकालना है, किसका सम निकालना है, S13 फाइंड आउट करना है, क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स तक ही तो पूछा है आपसे। देखिए भाई यहां से हमें पता लग गया है कि ये एक एपी में होगा, क्योंकि हर एक का रेडियाई बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है 0.5 सेंटीमीटर से, और 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स तक की लेंथ बतानी है, तो हमें 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ का सम कर देना है, बस दैट्स इट। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई वी नो दैट SN इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमें पता है। तो चलिए इसको हम वैल्यूज लिख देते हैं, n की वैल्यू 13 है, 2 इंटू a की वैल्यू है पाई बाय 2, प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू d कितना है पाई बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पे ए और डी दोनों ही पाई बाय टू हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, 13 बाय 2 यहाँ पे बच जाएगा, ये पाई प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया, 12, 12 पाई बाय 2 यहाँ पे आ जाता है, और ये 2 से कैंसिल आउट करके 6 आ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या करना है हमें, हमें तो S13 निकालना है, तो S13 के लिए 13 बाय 2 एज इट इज रहेगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है पाई, और ये है 6 पाई, मतलब ये हो गया 7 पाई। पाई की वैल्यू हमें पता होती है कितना है, 22/7 होती है, तो हम पाई की वैल्यू लिख लेंगे इसकी जगह, 22/7 कैंसिल आउट कीजिए, और इसको इससे कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा ये 143 सेंटीमीटर। तो S13 143 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे 13/4, तो लेंथ ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स विल बी 143 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर आपको 20 सेमी सर्कल की लेंथ पूछी जाए वो निकाल लो, 30 की पूछी जाए, चाहे कितने ही सेमी सर्कल्स की लेंथ पूछी जाए, इसी तरह आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, ये देखिए थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए ध्यान पूर्वक इनको करें, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उसी के आधार पे ये क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, तो कर इजीली पाएंगे, बस थोड़ा फोकस ज्यादा करना है आपको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।